हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 हो रहा है और अभी मैं पानी भर रहा हूँ, देख सकते हैं, स्नान करने के लिए तो पाइप से भर रहा हूँ। ये भर चुका है, थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद में ये बाल्टी भरेंगे। और सुबह सुबह का भी कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, बादल लगा हुआ है अभी तो। चलिए अभी दोस्तों फिलहाल जो है ना ब्रश व्रश करके, इधर ब्रश रखा हुआ है देख सकते हैं, तो ब्रश करके स्नान सर करके अच्छे से रेडी हो जाते हैं, फिर टाइम से 8:30 से निकलेंगे फेरी पर। दोस्तों अभी टाइम 7:30 हो रहा है और अभी हम लोग खाना खा रहे रहते हैं, चावल और सब्जी है। इधर सरवन भी है, सरवन भी खाना खा रहा है, तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद में माल सब लोड करेंगे, खाना खा लेते हैं फिर। ये सरवन खा ले, अधूरे पर खेलिए, इन्होंने ना देखिए ना। तो माल लोड करके फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी सामान सारा लोड हो गया, टाइम अभी 8:00 है, तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं घर से तो निकल चुका हूँ, लेकिन अभी मैं अपने गांव से भी निकल चुका हूँ और अभी तक बोनी उनी नहीं हुआ है। चलते हैं फिलहाल दोस्तों, घूमते हैं, फर्स्ट बोनी होने के बाद मिलते हैं। और दोस्तों आज है ना 5 दिन बाद फेरी पर निकल रहा हूँ, तो आज दूसरे टाइप का मन कर रहा है। जब तक बोनी नहीं होगा, जब तक सेल कुछ नहीं होगा, तब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा, डरा हुआ जैसा मन रहेगा। तो चलते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कब तक फर्स्ट बोनी होता है। फर्स्ट बोनी होने के बाद फिर मिलते हैं। हमने दो गांव घूम लिया हूँ, ये वाला गांव और पिछले वाला गांव घुमा, दो गांव घूम लिया। अभी बोनी वोनी नहीं हुआ है, कोई पूछा भी नहीं है, लेकिन चलते हैं देखते हैं क्या होता है। हिम्मत नहीं हारेंगे, फेरी करें, अपना काम ऐसे करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों टाइम अभी 11:15 हो गया है और 2 घंटा समय लगा है एक ही गांव में। सेल दोस्तों 2 गांव में तो नहीं हुआ है, लेकिन एक गांव में हो गया है अच्छा खासा सेल। अभी चलते हैं दोस्तों, बरमवा का स्थान है तो यहीं पे पानी पी के और फिर चलेंगे। तो पानी पीते हैं यहीं पे लगा करके। तो दोस्तों अभी पानी पी लिया, देख सकते हैं चाचा उधर नहा रहे हैं। अभी दोस्तों पानी पी लिया, अभी चलते हैं। धूप तो थोड़ा धीमा है लेकिन गर्मी ज़्यादा है। गाड़ी चलाते हैं तो ठीक रहता है, जब रुकते हैं तो गर्मी लगने लगता है। चलिए फिलहाल अभी पानी पी लिए और चलते हैं अगला गांव की तरफ। इस गांव में दोस्तों एक ही गांव में 1700-1800 का सेल हुआ है एक ही गांव में, नहीं तो उधर 2 गांव घूम रहे थे। और फर्स्ट बोनी में मैं उधारी मंगा हूँ तो उधारी नहीं मिला है, खाना बना रही थी, बोलते हैं कि जे बाद में आना। तो चलिए, और दूसरा आदमी को टोका हूँ खरीद रहा था तो 10 रुपये के लिए नहीं बचा फर्स्ट बोनी में ही, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट 5-7 रुपये हो रहा था, तो सामान था 50 का दे रहा था 40 के लिए नहीं दिए। और तीसरा कस्टमर मिला तो वहाँ पे सेल हुआ है ठीक ठाक, फिर उसके बाद में उसी गांव में, ये पिछले वाला गाँव में। और अभी तक 11:30 बज रहा है, 11:15। अभी दोस्तों 2 घंटा समय लगा है, तो अभी चलते हैं अगला गांव ननकार सिमरदा की तरफ। सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, तो ननकार सिमरदा घूमते हुए चलेंगे बहलगामा की तरफ। दोस्तों अभी ननकार सिमरदा घूम लिया, टाइम अभी दोस्तों 2 बज गया है। और सेल की बात करें तो सेल हो गया है लगभग इस गांव में 1100 का सेल हुआ है और 60 रुपये उधारी मिला है, यानी 1160 रुपये का प्राप्ति हुआ है इस गांव में। दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं अगला गांव जो है ना नारहा है, नारहा गांव घूम के और फिर मिलते हैं, देखते हैं नारहा गांव में कितना का सेल होता है। 5 बज गया है दोस्तों और अभी मैं नारहा गांव घूम लिया, अभी नारहा पुल पे हूँ, तो अभी चलते हैं। अभी 2 घंटा समय है तो बालगामा गाँव घूमते हैं, नाश्ता करेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ। फिलहाल दोस्तों चलते हैं नारहा गाँव में, दोस्तों 300 का सेल हुआ है, 100 रुपये उधार ही मिला है, तो 400 की प्राप्ति हुआ है। अभी चलते हैं दोस्तों बहलगामा घूम के, गांव में घूम के और फिर नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं नाश्ता करने आया हूँ और बहलगामा गांव घूम लिया, हमारा गाड़ी उधर लगा हुआ है, आगे पीछे कल है, तो कल पर वहाँ पूछे हैं, अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, लिट्टी है, तो चलिए नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तो अभी नाश्ता करके अभी मैं निकल चुका हूँ, टाइम 7 बज चुका है और बालगामा में पूरा गांव नहीं घुमा हूँ, आधा बालगामा घूम पाया हूँ। चलिए अभी दोस्तों झोली पड़ रहा है, चलते हैं घर।
130 का पेट्रोल डला लिया दोस्तों, अभी चलते हैं। और दोस्तों सेल तो आज मस्त हुआ है, लेकिन घटना भी हुआ है। क्या घटना हुआ है तो घर पे चल के बताते हैं। हाँ दोस्तों, अभी घर पहुंच गया। घर आते आते 7:30 हो गया है, 7:30 से ज़्यादा हो रहा है। तो अभी गाड़ी पर लगा दिया, माल भी उतार लिया। और दोस्तों घटना ये हुआ है, मतलब नुकसान हो गया है इसके वजह से, क्योंकि दोस्तों इधर सही आने के चक्कर में, इधर सजाने दिखाने के चक्कर में जो है ना, ये झोला भी रखा हुआ था इसमें, और नहीं सिफोन वाला, इस वाला में ले सकते हैं, इसमें था ना 5 पीस वर्नी था, तो 2 पीस वर्नी गायब हो गया। क्योंकि इधर सरिया रहे थे, इधर दिखा रहे थे, इधर सरियाने के चक्कर में इधर वो निकाल लिया, पता नहीं चला। लेकिन एक वो वाला और एक ये वाला दे सकते हैं, एक पैंट, एक इसमें से, इसमें से 10 पीस था तो 7 पीस है, 2 पीस भी गया है, यानी कि 1 पीस इसमें से गया हुआ है। पहले दोस्तों मुँह हाथ पोछ लिया, और दोस्तों कितना था, 2 ओढ़नी था, 60 रुपये के भाव से हो गया, 60 दूना 120 रुपया, और 40 रुपया पैंट, हाफ पैंट, तो 40 और 20 60, 160 रुपया का नुकसान हो गया खरीदारी रेट में, और बिक्री होता था लगभग 200 रुपया, तो यही 160 रुपये का नुकसान हो गया पूंजी में से, अफसोस ज़्यादा है। और हुआ है कहाँ पे, एक लेडीज वहाँ पे, मैं जब तक कैरेट का माल दिखा रहा था दूसरे आदमी के, तब तक वह निकाल के देखी है और रख दी है, हमको लगता है वही ली है, वहीं पे चोरी हुआ है, ननकार से मर्दा ननकार में। तो चलिए, एक बार जो भुला जाता है, खो जाता है, वो मिलता नहीं है, लेकिन अब तो निकल गया, भुला गया। और सेल दोस्तों कितना हुआ है, लगभग टोटल सेल 4000+ का सेल है, जिसमें हमको 160 रुपया उधारी मिला था, तो समझिए कि जो 160 रुपया उधारी मिला था वही गायब हो गया। तो चलिए, जो हुआ से अच्छा हुआ, अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि गायब हुआ है, किस तरह से गायब हुआ है उससे थोड़ा सा सबक सीखने को मिला है हमको। तो यही ऐसा ही दोस्तों, जब कार्य करने लगते हैं तो करते करते जो है ना, हर एक तरह के आपके साथ घटना होगा, तो उससे थोड़ा सा सबक मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ से ठीक हुआ, जो भी हुआ ऊपर वाले की कृपा से हुआ। चलिए, और सेल भी मस्त हुआ, 4000+ सेल हुआ दोस्तों आज का टोटल सेलिंग है, टोटल है देख सकते हैं, मात्र घर से सुबह सुबह 20 रुपया लेकर गया हुआ था, मात्र 20 रुपया, इतना ही रुपया लेकर गया हुआ था। और जब पैसा नहीं था तो हरवरी में बेच रहे थे, लेकिन फिर भी बिक्री तो ठीक ही हुआ है, गायब हो गया है वही अफसोस है। तो चलिए, सेल मस्त हुआ है दोस्तों, 4400-4500 का सेल हुआ है, हमको लगा 4000 ही होगा, 4000+, लेकिन 4500+ है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों खाना भी आ गया, देख सकते हैं, घिवरा का सब्जी है, रोटी है, दाल है, खाना खाते हैं, उसके बाद वीडियो एडिट करके फिर सोएंगे, 8 बज चुका है अभी। तो चलिए, आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में, अभी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग, अभी तो गुड नाइट है, गुड नाइट, बाय बाय।